check the mic and make sure it sound right, boys. आप सुन रहे हैं My Topic Let's Pray with the boy on that topic. Hi guys, this is Pulkit. Welcome to my show, जिसका नाम है My Topic Let's Pray. So guys, कैसे हैं आप लोग? आपका त्योहार कैसा गया? आई नो बहुत ज़्यादा यू नो थकावट हो गई होगी एंड आप वापस अपने काम पे चले गए होंगे एंड खूब मज़ा किया होगा आपने दिवाली पे. आई नो मैंने ही बहुत मज़ा किया, बहुत बहुत मज़ा आया मुझे दिवाली पर, क्योंकि 2 साल बाद आ रही है दिवाली, तो भाई मज़ा करना तो बनता है. बिल्कुल. तो गाइस आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक में बात करने आया हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इसे मैं कभी नहीं बोला और मुझे बोलना चाहिए. तो गाइस आज का जो टॉपिक है वो है 5 ways टू यूज सोशल मीडिया वाइजली. बिल्कुल, हम अक्सर सोशल मीडिया को एक यूजफुल टूल की तरह ही मानते हैं एंड इट्स वेरी डिस्ट्रक्टिव टूल ऑल्सो. यस, बहुत तरह के लोग हैं दुनिया में जो इस टूल को बहुत गलत वे में भी यूज़ करते हैं, पर यस कुछ ऐसे भी हैं जो हमारी तरह हैं जो इसको अपने काम के लिए, अपने अच्छे के लिए यूज़ करते हैं. पर कभी कभार ना हम कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम भूल जाते हैं, हमें वो पॉइंट्स याद रखने हैं. तो चलिए मैं आपको बताता हूँ वो क्या पॉइंट्स हैं. तो सबसे पहला पॉइंट, मतलब 5 पॉइंट है, ठीक है. 5 पॉइंट का पहला पॉइंट ये है, डोंट कंपेयर योर रियल लाइफ टू द पिक्चर परफेक्ट लाइफ ऑफ अदर्स. आप हमेशा नोटिस करते होंगे लोग सोशल मीडिया पे बड़े परफेक्ट पिक्चर डालते हैं, आह है ना, अपने रील्स डालते हैं, अपने क्या मज़ेदार एल्बम्स डालते हैं. पर गाइस वो पिक्चर परफेक्ट एक चाहने के लिए पीछे क्या हो रहा है हमें नहीं पता, है ना. बैकग्राउंड में क्या पेंस वो झेल रहे हैं, वो किस वजह से वो इतनी पिक्चर परफेक्ट ला पा रहे हैं, क्या रीजंस हैं, यू नेवर नो. एग्जांपल के तौर पे आपने काफ़ी सोशल मीडिया स्टार्स को देखा होगा, आपने काफ़ी बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस को देखा होगा जो काफ़ी मेहनत करके अपनी पिक्स वगैरह डालते हैं और हम उनको देखते ओ यार वाओ. पर गाइस जो एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं आपने उनको देख तो लिया, पर गाइस आपने ये नहीं सोचा कि वो कितने कितनी पेन से गुजर रहे होंगे. पेन इन द सेंस डाइटिंग एंड मेंटल ट्रॉमा, टेंशन एंड स्टिल दे आर स्माइलिंग. तो अपनी लाइफ मतलब अपने आप को कंपेयर मत करना, यार इसकी पिक्चर तो बड़ी अच्छी आती है, मेरी पिक्चर अच्छी नहीं आती. तो प्लीज़ डोंट कंपेयर एंड आपकी पिक जैसी आ रही है आप डालें, ठीक है, जितना आपसे हो सकता है. एंड सेकेंड पॉइंट, नंबर्स डोंट डिफाइन योर वर्थ, डोंट बी अ सोशल मीडिया पपेट. वेल आपने काफ़ी लोगों को देखा होगा नंबर्स के पीछे भागते हैं. बिल्कुल, नंबर्स इंपॉर्टेंट हैं पर इतने भी नहीं कि आप अपने दिन रात एक कर दो, मतलब खाना पीना छोड़ दो, अपनी मेंटल एक ट्रॉमा एड ऑन कर लो लाइफ में. भाई उसके तो देखो 100K हो गए, मेरे अभी तक नहीं हुए. यार उसको देखो 1 मिलियन हो रही है, मेरे नहीं हुए, मैं भी तो वही करूँ. नहीं नहीं, ये सोशल मीडिया पपेट बिल्कुल मत बनना. अपना दिमाग किसी अच्छे काम में लगाना और नंबर्स के पीछे बिल्कुल भागना. दिस इज एंडलेस, नंबर्स का तो कोई एंड ही नहीं है. डोंट बी ए सोशल मीडिया पपेट, प्लीज इसका पपेट मत बनना, बिकॉज नंबर्स आर एंडलेस, नंबर्स का कोई अंत ही नहीं है ना. बिल्कुल. तो अब चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट पर, सेट अ इंटेंशन एंड अवॉइड पैसिव स्क्रॉलिंग. भाई एक इंटेंशन अपनी होनी चाहिए, भाई मेरे को है ना ये इन पर्टिकुलर लोगों की प्रोफाइल विजिट करनी है या इन अच्छे लोगों की प्रोफाइल विजिट करनी है एंड मेरे यही फेवरेट्स हैं, मुझे इनको देखना है. मतलब एक है ना अपना स्क्रोल ऐसा करो जो आपको कुछ प्रोडक्टिव फील करवाए, यार कुछ अच्छा देखा मैंने, कुछ फनी देखा या बड़ा अच्छा करता है. मतलब ऐसी किसी को भी आप स्क्रॉल करने लग जाओगे ना तो आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा. किसी को भी मैं स्क्रॉल करने लग जाओ, बस अपने कोई फेवरेट्स रखो जिनको आप हमेशा फॉलो करते हो, आपको अच्छे लगते हैं और अच्छी बातें बोलते हैं. यस, आप उनको ज़रूर सपोर्ट भी करें और
अपना कुछ कीमती जो वक्त है वो ऐसे वेस्ट नहीं जाने दी। ठीक है, ओके, वेस्ट से एक और पॉइंट यहाँ पे एड ऑन हो रहा है, वो है फोर्थ पॉइंट है, वो है कीप अ ट्रैक ऑफ यूजेज एंड स्क्रीन टाइम। जी हाँ बिल्कुल, स्क्रीन टाइम एंड यूजेज बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजेज पे बात करूँ तो भाई साहब आप कितना यूज कर रहे हो, अपना दिमाग कितना खर्च कर रहे हो, कितना आप उसमें यू नो इन्वॉल्व हो, इन्वॉल्व इन द सेंस मतलब यस आप कितना उसको कैसे आप उस चीज़ को यूज़ कर रहे हो एंड कितना ज़्यादा देख रहे हो अपनी स्क्रीन को। पता है दिमाग पर इतना बर्डन पड़ता है ना सोशल मीडिया ज़्यादा देखने से, यस बर्डन बहुत पड़ता है, ये मैं खुद भी मानता हूँ। तो गिव इट अ ब्रेक, अगर आप दिन में 5 घंटे देख रहे हैं तो उसको थोड़ा कम करने की कोशिश करिए, 4 घंटे देख रहे हैं तो उसको और कम करने की कोशिश करिए, तो धीरे धीरे करके कम करिए। पर इतना भी नहीं, अगर आपका काम बहुत ज़्यादा है तो मैं उसको नहीं कह सकता कि भाई, ये नहीं कह रहा कि भाई मत देखना, देख लेना, बट कोशिश करें कि अपने दिमाग को शांत रखें और सारे जो गैजेट्स हैं ना आपके उनको एक साइड में रखें और अपने आँखों को और अपने दिमाग को शांत, है ना, कीव ब्रेक। आजकल तो काफ़ी ऐप्स भी आ गई हैं इसको चीज़ को रोकने के लिए, बट हमारे फ़ोन्स में भी इनबिल्ट होता है ये फीचर। जैसे मेरे फ़ोन में है वन प्लस है मेरे पास, तो इसमें एक मोड आता है, आई थिंक जेन मोड है या कौन सा मोड है, उसको जब मैं ऑन कर देता हूँ अपने आप ही सारी ऐप्स वो बंद हो जाती हैं और आपको फ़ोन वो छेड़ नहीं देता, ये समथिंग लाइक दैट। ओके, फिफ्थ मोस्ट लास्ट मीन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लास्ट है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बी माइंडफुल ऑफ योर ऑनलाइन टाइम एंड अटेंशन। भाई फालतू की चीज़ें बिल्कुल मत ऐड ऑन करना अपनी लाइफ में, अटेंशन सिर्फ उन्हीं बातों को दो जो आपको लगता है मुझे अटेंशन देने वाली है। क्या करते हैं लोग, ऑनलाइन फाइटिंग शुरू कर देते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको वहाँ पे भाई आपका कोई कमेंट नहीं देना, अपना मेंटल प्रेशर है नहीं कुछ वो करना, भाई 50 काम है लाइफ में, जी 50,000 काम है, 50,000 काम है जो हमें करने हैं अपनी लाइफ में, अपने लिए, अपने आप पे, लोगों के लिए जो अपने यू नो क्लोज वंस हैं, फालतू की चीज़ों पर अटेंशन दे के अपना टाइम नहीं वेस्ट करना। बिल्कुल मैं तो ये करता हूँ, मैं तो मतलब आई डोंट गिव अटेंशन टू ऑल दीज यू नो काइंड ऑफ थिंग जो मेरे मेंटल प्रेशर जो यू नो मुझे दे दे खाम खा का, मेरे मेंटल हेल्थ भी फ़र्क डाले उस चीज़ का। आई जस्ट ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम ऑल द नेगेटिविटीज ऑन सोशल मीडिया। कभी कभी होता है हम नहीं रोक पाते, बट ट्राई करना चाहिए। बस ये कुछ 5 पॉइंट्स हैं, आप अपने माइंड में रख लीजिए और अपने आप को सेफ रखिए, साउंड रखिए, हेल्दी रखिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट खुश रहिए, बस और कुछ नहीं। तो गाइज ये था मेरा आज का एपिसोड, आई होप आज कुछ अच्छा आपको सुनाई दिया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम, है ना, किसी अच्छी यू नो बातों को लेकर और किसी पर्सनालिटी को लेकर, क्या पता यू नेवर नो, है ना, कोई भी आ सकता है। तो स्टे ट्यून एंड कीप लिसनिंग एंड कीप प्लेइंग माय एपिसोड जिसका नाम है माय टॉपिक लेस टॉपिक। और हाँ जी, मैं जाते जाते हमेशा ये बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ पता ना, ध्यान रखना और दुआ में याद रखना। एंड गाइज प्लीज हेल्प मी टू रीच मोर एंड मोर पीपल, जितना हो सके मेरे एपिसोड शेयर कीजिए एंड हेल्प मी टू रीच 1 लाख। आई नो मैं अभी 57 पे अटका हुआ हूँ, 57,000 जस्ट बिकॉज ऑफ यू, थैंक यू सो मच। बट मेरा यह अनुरोध रहेगा आपसे कि प्लीज़ मेरे एपिसोड सुने और आगे भी शेयर करें। टिल देन सी या, बाय बाय।